सांसद गजेंद्र पटेल के द्वारा रेल लाइन के लिए किए गए संसद में अपना पहला प्रयास सराहनीय है और जनता में भी इस बात को लेकर काफी खुशी है। लोकसभा में सांसद गजेंद्र पटेल ने अपने पहले उद्बोधन में जिले को रेल लाइन से जोड़ने वाली एकमात्र रेल लाइन इंदौर मनमाड़ के कार्य जल्द प्रारंभ की मांग की थी, जिसका जिक्र वर्तमान बजट में नहीं किया गया। लेकिन सांसद का कहना है कि वित्त मंत्री ने 300 किलोमीटर के दायरे वाली छोटी रेल लाइन को पूरा करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की स्वीकृति दी थी, जो 350 किलोमीटर के दायरे में आती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दशकों से रेल एक सपना है और वर्तमान सांसद से रेल को लेकर काफ़ी उम्मीद है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च सदन लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं, रीति बनाई जाती है, नीति को फॉलो किया जाता है। उसी के तहत मुझे जब अवसर मिला तो मैंने इस लोकसभा की सबसे ज्वलंत मांग, जो देश की आज़ादी के 72 साल बाद भी आज जनता और लोग कर रहे हैं, इंदौर से मलमाड़ रेल और इस पूरी लोकसभा में कहेंगे रेल मार्ग होना चाहिए, रेल की सुविधा होना चाहिए, उसी को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में इसकी स्वीकृति भी दी। उसका कार्य जल्दी प्रारंभ होना चाहिए, जो आने वाले कुछ सालों में उसका लाभ जनता को मिल सके। और मैंने पहली बार संसद में बोलने के साथ में जनता का भी आभार माना, हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी आभार माना। और उसके साथ मैंने बजट में रेल का प्रावधान नहीं आया। मुझे लगता है कि बजट को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना चाहिए। बजट के सत्र में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जिस प्रकार से बताया कि जितनी रेल मार्ग वाला मामला है वो 300 किलोमीटर की जितनी भी छोटी छोटी प्रकार के कम किलोमीटर की जो रेल आएंगे उसको तुरंत पूरा किया जाएगा, जो उनके अभिभाषण में था उसको गौर करना चाहिए। और यही इंदौर से मलमाड़ जो रेल है, वो रेल का जो मार्ग है वो 300 से 350 किलोमीटर के आसपास का मार्ग है।